हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.2, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन स्कूल में हुई है 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एंड फर्स्ट काउंट। देखो अब इसमें क्या है, जो बुक एग्जीबिशन है उसके लिए कुछ टिकट बिकी हैं, कुछ टिकट जो हैं वो बेची गई हैं। अब कितनी हुई हैं, एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे, यानी कि 4 दिन जो है टिकट सेल हुई है। अब हमें ये फर्स्ट डे की टिकट है कि फर्स्ट डे इतनी टिकट सेल हुई, सेकेंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी और फाइनल डे पे इतनी। तो टोटल नंबर और बताना है कि टोटल 4 डेज में कितनी टिकट जो है वो सोल हुई। तो ये बहुत ईजी है, टोटल है तो इट मीन्स हम इसको प्लस करेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे एंड फाइनल डे। तीनों को, फोर, चारों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 4 डेज का हमारा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर। अब शेखर एक फेमस क्रिकेटर प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर 6980 रन इन द टेस्ट मैच। अब उसने ही हैज सो फार, ही विशेज टू कम। अब उसकी जो विश है वो क्या चाहता है, इतना जो उसके रन हैं अभी, लेकिन वो कितने रन बनाना चाहता है। ही विशेज टू कम्प्लीट 10,000 रन, हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड। अभी उसके इतने रन हैं लेकिन वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है, तो उसको और कितने रन्स की जो है वो ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ रन शेखर विश टू स्कोर 10,000 वो बनाना चाहता है। नंबर ऑफ रन स्कोर, अभी जो उसने कितने कम्प्लीट कर लिए हैं, 6,980। नंबर ऑफ मोर रन ही नीड्स, कितने और उसको चाहिए, दोनों को माइनस कर देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि 3,020 रन उसको जो है उसको और चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोर रन्स 3,020। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दिस 500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवल्स क्योर 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। देखो जो एक इसमें सक्सेसफुल जो वोट है, नंबर ऑफ वोट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उसके जो यहाँ पे बता रखे हैं 5,77,500 वोट्स हैं जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है। लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है उसके जो हमें यहाँ पर बता रखे हैं 3,48,070 जो हैं उसके वोट्स हैं। तो कितना मार्जिन है, मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट विद द इलेक्शन। तो दोनों के बीच में कितना मार्जिन है, तो इसमें यही लिखेंगे नंबर ऑफ वोट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट के हैं वो लिख देंगे, और जो उसके ऑपोजिट पे खड़ा हुआ दूसरा कैंडिडेट उसके भी हम यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को हमने यहाँ पे वोट लिख दिए। तो जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा क्या आएगा, 2,28,800, यानी कि उसके कितने वोट्स ज़्यादा हैं, जो उसका दूसरा कैंडिडेट है और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है। सक्सेसफुल कैंडिडेट के 2,28,800 वोट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तभी तो वो क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड द बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टूगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे जो कीर्ति है, जो उसकी बुक स्टोर है, उसने जो बुक्स बेची है फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2,85,891 बेची हैं, और बुक्स वर्थ रुपीज दिस सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, यानी कि दूसरे हफ्ते जो बेचे, फर्स्ट वीक उसने इतनी सेल करी है, सेकेंड वीक उसने इतनी सेल करी है। तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स, दोनों वीक्स को मिला के कितनी सेल करी है। और उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर, उसके बाद इन विच वीक हैज सेल ग्रेटर, कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा सेल हुई है। 3 क्वेश्चन हो गए ना इसमें। तो सबसे पहले ये लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक दिस, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक दिस। टोटल सेल जो ये पहला क्वेश्चन था, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल सेल हुई है 6,86,659।
अब बताना है कि देखो हमें ये भी देख के पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वीक में सेल हुई थी और ये जो सेकंड वीक में सेल हुई है, तो फर्स्ट वीक वाली सेल ज़्यादा है क्योंकि वो 4,77,068 है, यहाँ पे 2,85,891 है, तो ये हमारी ज़्यादा है। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारी फर्स्ट वीक वाली सेल है वो, सॉरी ये सेकंड वीक का है, ये सेकंड वीक का है, ये फर्स्ट वीक है, तो जो सेकंड वीक पे सेल हुई है वो ज़्यादा हुई है। तो सेल ऑफ बुक इन सेकंड वीक इज ग्रेटर, और कितनी ज़्यादा हुई है आप माइनस करके बताएंगे। तो सेल इन सेकंड वीक इज ग्रेटर बाय 4 लाख में से जो है 768 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1,14,877 जो है वो सेल ज़्यादा हुई है। ठीक है, कब ज़्यादा हुई है, सेकेंड वीक में इतनी सेल ज़्यादा हुई है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्ट 5-डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच बाय ओनली वंस। अब इसी से हमने क्या बनाना है, इसी से हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इसी से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप इस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले 7, 6, 4, 3, 2, 1, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 2, 3, 4, 6, 7। अब दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताना है, तो फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 स्क्रूज आर डे, हाउ मैनी स्क्रूज डिड द प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यहाँ पे बताया है कि जो एक मशीन जो है वो एवरेज जो है कितने स्क्रू एक दिन में बना लेती है, एक दिन के अंदर इतने बना लेती है। तो हाउ मेनी स्क्रू डिड ही प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी के महीने में यानी कि 31 डेज होते हैं, तो कितने बनाएगी, तो बहुत सिंपल है, अगर वन डे में इतना बनाती है तो जनवरी 2006 मतलब 31 डेज। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन अ डे एंड नंबर ऑफ डे इन जनवरी 2006 इक्वल 31 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर बाय द मशीन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 87,575 स्क्रूज जो है वो बनाएगी, कब, जनवरी के महीने में। अ मर्चेंट हैड रुपीज दिस विद हर, शी प्लेस्ड ऑन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1,200 ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि एक मर्चेंट है, उसके पास इतने पैसे हैं, अब इतने पैसों में से वो क्या करता है, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, वो ऑर्डर करता है 40 रेडियोज का, एक रेडियो जो है वो 1,200 रुपीज का है, तो वो कितने रेडियो जो है वो खरीद सकता है, हाउ मच मनी विल रिमेन, खरीदने के बाद जो है उसके पास कितने पैसे बचेंगे, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। जब वो 40 रेडियो परचेज कर लेगा तो उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो टोटल अमाउंट है मर्चेंट के पास वो हम लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रेडियो जो सेट टू बी परचेज है 40 उसको परचेज करने हैं, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो है 1,200 और कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो कितना होगा, 1,200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 48,000 जो है वो 40 रेडियो का यहाँ पे प्राइस आ गया, यानी कि अगर वो 40 रेडियो खरीदता है तो उसको 48,000 रुपीज़ उसके लगेंगे, लेकिन उसके पास हैं कितने, मनी विल रिमेन उसके पास बचेंगे, जितने पैसे उसके पास थे उसमें से 48,000 माइनस कर देंगे तो उसके पास जो बचेंगे 30,592 रुपीज़ जो है वो उसके पास बचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड दिस बाय दिस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस। अब एक स्टूडेंट ने क्या करा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको किससे करना था, इससे, यानी कि उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो कितना आंसर ज़्यादा आएगा करेक्ट आंसर से। देखो उसने क्या करा, जो रॉन्ग आंसर आया ना ये आया, क्योंकि उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये रॉन्ग है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो आंसर ये आया। करेक्ट आंसर क्या है, उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था तो ये आंसर आता। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, जो रॉन्ग आंसर आया और जो करेक्ट आंसर आया, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 65,124 आएगा। उन्होंने क्या पूछा था, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से जो इनकरेक्ट आंसर है वो कितना ज़्यादा है, तो वो इतना ज़्यादा है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, एक शर्ट को सिलने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेस कैन एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। अब देखो, एक शर्ट को बनाने के लिए तो इतना कपड़ा चाहिए, और कितना कपड़ा है अभी 40 मीटर कपड़ा है टोटल। अब 40 मीटर में से कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, तो यहाँ पे हमें जो क्लोथ दे रखा है मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो यहाँ पे मतलब कि शर्ट का जो हमें मेजरमेंट बताया है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और कपड़ा कितने का है 40 मीटर का। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ जो है, देखो ये मीटर में है ना, पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 40 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर, यानी कि जो कपड़ा है जो क्लोथ है वो है 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो क्लोथ रिक्वायर्ड है वन शर्ट के लिए वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 200 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर बन जाएगा ये, क्योंकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर इक्वल 100 × 2 इक्वल 200 सेंटीमीटर। तो ये जो मीटर है इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ये पहले से ही सेंटीमीटर में था, दोनों को प्लस कर दिया तो 215 सेंटीमीटर। अब जो क्लोथ है वो 4000 सेंटीमीटर है और एक शर्ट के लिए चाहिए 215 सेंटीमीटर। अब हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिचेस 215, हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 18 शर्ट्स जो हैं वो उसमें से बन जाएंगी, और उसके बाद भी 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो बच जाएगा। तो नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिचेस आर 18, क्लोथ रिमेनिंग 130 सेंटीमीटर। अब 130 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, आप इसको सिर्फ 130 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या फिर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर 130 का मतलब होता है 100 + 30 होता है ना, ये 130 हो गया, 100 + 30, तो यानी कि ये 100 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, तो 100 + 30 कितना होता है 130 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 1 मीटर, और ये हमारा साथ में आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स, ईच वेट इज 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो एक मेडिसिन का पैक है उसका वेट हमें यहाँ दे रखा है 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। तो एक जो वैन है वो उसके ऊपर सिर्फ उसमें बताया हुआ कि 800 kg तक का ही जो है सिर्फ वो लोड ले सकती है, कैरी कर सकती है वो वैन, और एक पैकेट का यहाँ पे वेट हमें बता रखा है, तो बताना है कि कितने उसके अंदर मेडिसिन के पैकेट जो है लोड कर सकते हैं वैन में। तो लोड दैट द वैन कैन कैरी 800 kg वो कर सकती है, तो ये अभी हमें किलोग्राम में दे रखा है, तो उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि देखो 4 kg 500 ग्राम है, इस kg को भी हम ग्राम में चेंज करेंगे, इसको भी, तो 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, तो 800 × 1000 यहाँ पे आ जाएगा ये 800,000 ग्राम, ठीक है। राइट ऑन वन पैकेट, अब सॉरी वेट ऑन वन पैकेट है 4 kg 500 ग्राम, अब 4 kg को भी चेंज करोगे ग्राम में तो 4000 ग्राम हो जाएगा, प्लस 500 इक्वल 4500 ग्राम हो जाएगा। अब ये इतना वेट वो कैरी कर सकती है वैन, और एक पैकेट का इतना वेट है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन बी लोडेड इन अ वैन, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 177 बॉक्सेस जो है या पैकेट्स जो हैं वो उसमें लोड हो सकते हैं, ठीक है 177। तो हमें डिवाइड करके पता चला एक वैन के अंदर 177 जो बॉक्स हैं वो लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द 6 डेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस दे रखा है स्कूल से लेके कहाँ तक का, घर का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर 875 मीटर दे रखा है,
एंड एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, और वो दोनों तरफ यानी कि आती भी है और जाती भी है, पहले घर से स्कूल जाती है फिर स्कूल से घर आती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो कितना टोटल डिस्टेंस वो 6 डेज के अंदर कवर करेगी। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर और मीटर में दे रखा है, तो हम इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम हाउस, स्कूल घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है और जो स्कूल से घर का डिस्टेंस है दोनों सेम ही होंगे, तो इसको हम 1 किलोमीटर 875 को चेंज कर लेंगे किलोमीटर को मीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं, तो 1000 इन दोनों को प्लस किया 1875 मीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग बोथ वे, अब दोनों साइड का बताना ना, यहाँ पे एक साइड का बता रखा है, ये हमारा एक साइड का है, दोनों साइड का बताना है, घर से स्कूल स्कूल से घर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया एक दिन का, स्कूल से घर और घर से स्कूल, ठीक है, 3750 वन डे का डिस्टेंस हो गया। पहले वो स्कूल घर से स्कूल जाती है फिर स्कूल से घर आती है, ये तो वन डे का हो गया। अब 6 डे का निकालना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 6 डेज का आ जाएगा, ये हमारा मीटर में आया, ठीक है। इसको किलोमीटर में करना है तो 22,000 मीटर प्लस 500 मीटर आएगा। अगर इसको हम मीटर को यहाँ पे चेंज करते हैं किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 22 किलोमीटर 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये हमारा जो है 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 22,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, इसको जो है हम देखो 22,000 ये मीटर है, तो इसमें कितने किलोमीटर होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 22,000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 30 से 30 कट जाएंगी, तो 22 किलोमीटर हो जाएगा ये, और 500 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से है, अगर इसको देखो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 22,500 मीटर लिखा है ना, अगर इसको हम लिखेंगे तो 22,000 मीटर प्लस 5 मीटर, तभी तो हमारा ये बनेगा, और इसके अंदर हमने इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ऐसे आएगा, और ये हमारा 500 मीटर रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया था वो भी किलोमीटर और मीटर में दिया था, तो 22 किलोमीटर 500 मीटर जो है 6 डेज के अंदर वो जो है अपना कवर करेगी डिस्टेंस। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, वेसल क्या होता है बर्तन, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर क्या है कर्ड है, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितना ये दही हमें यहाँ पे बताया हुआ है 4 लीटर 500 मिलीलीटर और कुछ ग्लासेस हैं जिसकी हमें बता रखा है उसकी जो कैपेसिटी है 25 ml है, तो कितने ग्लास जो है वो फिल हो जाएंगे, कितने ग्लास जो है हम वो भर सकते हैं 4 लीटर और 500 ml कर्ड से। तो क्वांटिटी ऑफ कर्ड जो दे रखी है वो है 4 लीटर 500 ml, इसको पहले हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया तो हो गया 45 ml। कैपेसिटी ऑफ ग्लास है 25 ml, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 180 ग्लासेस जो हैं हम इस कर्ड से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।